जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने, और साथ में वो वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ी करके आया था, खाद ढुलाई चल रही है। एक चक्कर लगा लिया हूँ, एक आध चक्कर और होगा, बस हो गया, ज़्यादा नहीं था। और उन्हीं का पिलाव का भी काम था, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ। प्लाव का तो हो गया रहा, नाली बन नहीं रही। ब्लॉग एक दो दिन अभी नहीं बनाया, और इसलिए नहीं बनाया, रिस्पांस तो आ नहीं रहा है। अब रिस्पांस ही नहीं आ रहा, अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे, मानते हैं अपन से एडिटिंग नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, भाई समय ही नहीं मिल रहा। क्या बोले, जैसा है वैसे ही डालेंगे, व्यूज आए ना आए कोई दिक्कत नहीं। पहुँचते हैं अब, तो खाना पीना हो गया है और अब मैं निकल रहा हूँ भाई एक और जगह पे। अभी तो वहीं जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने ट्राली लगाई थी, तो उनका भर गया होगा, और भर गया होगा तो फिर खाली करके निकलना पास के गांव तौरी। अभी फ़ोन आया था, छोटू भैया ने एक काम दिलाया है, और वही है 100-200 मीटर की दूरी पर मिट्टी गिराना है तालाब के खेत में, खेत के तालाब में ऐसा कुछ है। तो निकलते हैं अपन। दोस्तों अपन आ तो गए हैं यहाँ पे, भाई बूंदाबांदी भी होने लगी, और वो वहाँ तलैया के पास मैंने, चलो कॉल आ रहा है देखते। पानी भी गिर रहा है दोस्तों, वहां से घाट चढ़ाना पड़ता है, वो कार खड़ी है जहां से। पानी बहुत ज्यादा गिरने लगा है दोस्तों, और ये यार मेरा वो जो आपको दिख रहा है ना वो निकल गया है, अब डाला पूरा झूल गया रहा, उसको लगाना पड़ेगा अभी। अब एक ट्रैक्टर वाला आ जाए तो उससे मदद मांगता हूँ, लगाता हूँ डाला। दोस्तों मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ अभी गाड़ी के पास, और ये पानी देख लो बहुत तेज़ गिर रहा है पानी। मानसून आ गया भाइयों, और सभी किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं, मानसून आ चुका है, धान की तैयारी कर लो भैया, धान सोयाबीन मूँगफली है ना, और मैं तो लगा हूँ काम में, और अब तो मुश्किल ही है यार, अब मुश्किल है कि यहाँ भाई चढ़ाते नहीं आ रहा है, और मतलब फिसलेगी, तीन चक्कर ही लगे, स्लिप मारेगा, स्लिप के कारण तो दिक्कत ही होना है। वो भाई जो है वो ट्रैक्टर वाला, वो उसके नीचे बैठा है ट्रॉली के नीचे, और मैं तो गीला हो ही गया हूँ, छुपा हूँ इस साइड, हवा का रुख इस साइड है,
देखते हैं क्या होता है, नहीं तो निकलेंगे घर। तो दोस्तों अपन पहुंच गए भैया घर, मतलब गांव पूरे गीले हो गए हैं, ये देख लो हालत तो बहुत ख़राब है। और अब घर जाके देखते हैं कि घर की क्या हालत है, पानी आनी तो बहुत चूहा होगा। फिर पहुँच जाए तो देखते हैं भाई ब्लूटूथ वगैरह काम कर रहे नहीं कर रहे, गरीबी में गीला आटा ना हो जाए। नहीं तो पानी देखो ना, ये गांव की तरक्की है, ठीक है। पानी काफ़ी गिरा है लेकिन भाई बहुत तगड़ा। कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताओ कि आपके क्षेत्र में गिरा कि नहीं, और कर देना यार कमेंट यार, वीडियो फैलाओ थोड़ा सा, देखना सीखो। साला 2 साल होने को आए, 5-10 ये व्यूज़ है, 0 व्यूज़ आ जाए इससे अच्छा तो भाई 5-10 व्यूज़ मतलब 0 ना आए यार, मालिक ऐसा ना हो प्रभु, लेकिन 5-10 व्यूज़ शर्म आती है बताने में। अब पहचान के लोग जो गांव खेड़ा गए उनको तो पता है, यूट्यूब में लगा हुआ है, इंस्टाग्राम में लगा हुआ है, इंस्टाग्राम में तो उतनी वीडियोस नहीं डाल पाता, एडिटिंग नहीं आती ना, अपन ब्लॉग बनाते हैं तो क्या बताएं, उसको भी प्यार नहीं मिलता, आदमी अंदर से हार जाता है, ऐसे ही डूब जाता है। अब आज ही का देख लो, 3 चक्कर लगे घर आ गए अपने, 500 रुपये दिया है सामने वाले में, 5 किलोमीटर आना 5 किलोमीटर जाना, उसके बाद 3 चक्कर। अब उससे भी क्या बोल दें, उस बोला तो रहा मैं उससे कि यार थोड़ी बहुत और दे यार, कम से कम 1000 अरे कह है ही नहीं है यार, 500 तो ठीक दे दे, 100 रुपये चक्कर की बात हुई थी, तो यही होता है। अब क्या बोलते हैं, निकलते हैं घर, घर जा के देखते हैं कैसा क्या पानी का हाल है। पन्नी अन्नी तो लगाए थे लेकिन पता है ना पन्नी कितना बचा लेती है। पहुँचते हैं घर, हाल ये देखो नल के हाल पूरा भर गया है, देखो ना वो भरा गया पूरा। हाँ लल्लो कैसा मस्त गिरवा पानी, ये पूरी मिट्टी बह के आ गई रोड में। और बड्डा बैठे हो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ नहीं ज़्यादा नहीं गिरेगा, टेंशन ना लो। पहुँचे भाई घर, देखो भाई किचन की हालत, ये पन्नी बांधे ना बांधे सब बराबर, इन्हीं के कारण तो दियार लगती है पूरी लकड़ियों में, पूरी परेशान टेंशन रहेगी। अब ये पूरी ये सब अलग करे हैं, तो दोस्तों अब भोजन हो रहा है, खाना खा रहे हैं और रात के लगभग 9:15 हो चुके हैं, और पानी अभी आधा घंटा पहले तक गिरा है, बूंदाबांदी हल्की फुल्की लगी थी। जबलपुर साइड पानी कुछ जगह पर गिरा है, कुछ जगह पर नहीं गिरा है। तो अब आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम।